तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम कि जीमेल के बारे में कि किस तरीके से आप अपने जीमेल से जो कि आप मेल भेज सकते हैं या फिर फ़ोटोज़ वीडियोस या फिर डॉक्यूमेंट्स जो भी कुछ आप सब कुछ भेज सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस नए चैनल जो कि टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन बटन को भी जल्दी से प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए दोस्तों सबसे पहले। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक ऐप ज़रूरत होगी जो कि जीमेल है। आप सीधा इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप सीधा वहां से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो यहां पे आपको प्ले स्टोर में डालना है जी मेल और सर्च मारना है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है और अब यहां से अपडेट मांग रहा है, यानी कि ये ऑलरेडी डाउनलोड है। तो मैं सीधा यहां से फ़ोन से अपने से इसे ओपन करूँगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये मेरा जो कि जीमेल है वो ओपन हो चुका है और अभी मैं बताऊंगा आप किस तरीके से यहाँ पर भेज सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक प्लस का आइकन जो कि डाउन में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। जो कि आप देख सकते हैं ये मेरा पहला जो कि मेल है मेरा पहला, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर आपको एक मेल दिखाई दे रहा है। तो ये मेरा मेल है और जिसको हमें भेजना है यहाँ पर उसका मेल डालना है, मेल आईडी, और जो कि सब्जेक्ट है आप किस बारे में मेल भेज रहे हैं उस सब्जेक्ट को डाल देना है। और नीचे कंपोज्ड मेल पर जाकर आपको सीधा यहाँ पर एक आइकन दिखाई दे रहा होगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको अटैच फाइल में क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का यहाँ से आप फोटोज़ और यहाँ पर आपको वीडियोस भी दिखाई दे जाएंगी, और यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दें तो दोस्तों यहाँ से आप कोई भी अपने फाइल मैनेजर में जाके या फोटोज़ वीडियोस या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स जैसे कि WPS में आपका कोई डॉक्यूमेंट है और आपको मेल करना है दोस्तों, तो आप यहाँ से ये डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आप कोई भी चूज करके अपने जो कि डॉक्यूमेंट्स सेंड कर सकते हैं और कोई भी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ या कुछ भी सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा कि आप किस तरीके से ये सब भेज सकते हैं। और आपको कुछ भी लिख कर भेजना है तो आप यहाँ पर कंपोस्ट मेल में जाके इस तरीके से लिख के या फिर कुछ भी जो भेजना है आपको आप सीधा भेज सकते हैं दोस्तों। और सब्जेक्ट में जिसके बारे में आपको मेल भेजना है उस सब्जेक्ट को यहाँ पर डाल देना है, और जिस पर्सन को यानी कि मेल भेजना है उसकी आईडी आपको यहाँ पर डाल देनी है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेल भेजना जो कि आप सीख चुके होंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और पास वाले बेल आइकन बटन को भी जल्दी से प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉच माई वीडियो।